नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। द्वारकापुरी पुलिस ने घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके दो साथी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। ये तीन बदमाश विकास, रवि और दीपू एक घर में युवती को अकेला देखकर घुसे और युवती से अश्लील हरकत करने लगे। जब युवती का भाई उसे बचाने आया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और भागने के लिए मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर एक बदमाश विकास को हिरासत में ले लिया है। मामले में पुलिस ने छेड़छाड़ सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर फरार दो अन्य बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता द्वारा अपने साथ छेड़छाड़ करना बताया। पीड़िता ने बताया कि उसके घर का चैनल खुला हुआ था और बाहर दो तीन लड़के खड़े थे और अचानक से घर में घुसे तो पीड़िता ने उसको मना किया तो गाली देने लगे और पीड़िता का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। एक ने पैंट उतार कर अश्लील हरकत करी और जब उसका चिल्लाया, उसने उसका भाई आया तो उसके भाई के साथ मारपीट करी। तो पीड़िता के रिपोर्ट से आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसमें विकास, रवि और दीपू हैं, जिसमें विकास मिल गया था। ये शराब के नशे में लड़के थे और ये उसके घर में घुस गए थे। ये आवारा टाइप के लड़के हैं, मजदूरी करते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल।